अगला हेडिंग है जी हमारे पास कंपाउंड कैपिचुलम। कैपिचुलम जो कि सिंबल में डिस्कस हो चुका होगा, एग्जांपल एक ही है इसके साथ एक साथ ही जी ग्लोकिसल इकाइनोप्स और वेरोनिक एग्जांपल्स हैं। कैपिचुलम फर्दर कैप्सुलेट मैनर में डिवाइडेड है और छोटे कैप्सूल्स उसमें पैदा हुए हैं। ये फैमिली सनफ्लावर फैमिली कॉम्पोजिटी या एस्टिडेसी में है उसके। इसके साथ ही जो हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, पुराना टॉपिक चल रहा था ये था हमारा कंपाउंड इनफ्लोरेसेंस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो थर्ड टॉपिक है इनफ्लोरेसेंस का, थर्ड मेजर टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है लेकिन छोटे छोटे बहुत से पॉइंट्स हैं। मिक्सड इनफ्लोरेसेंस, थर्ड टॉपिक इज मिक्सड इनफ्लोरेसेंस। और मिक्सड इस तरह से कि इसमें ब्रांचिंग होती है और ब्रांचिंग जो है वो खास मैनर में होती है, लेकिन यूँ समझिए कि दो डिफरेंट किस्म की चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। जो पहले कंपाउंड थी उसमें एक ही चीज़ रसीम ऑफ रसीम स्पाइक ऑफ स्पाइक वैसे था, लेकिन इसमें जैसे कि हम देखेंगे दो डिफरेंट किस्म के इनफ्लोरेसेंस अगर मिक्स हो जाए तो उसकी। अब इसमें जो पहली एग्जाम्पल दी गई है वो है पेनिकल ऑफ स्पाइकलेट्स। पेनिकल भी डिस्कस हो चुका, स्पाइकलेट भी डिस्कस हो चुका। स्पाइकलेट और स्पाइक एक ही चीज़ है। पेनिकल इरेगुलर ब्रांचिंग, स्पाइकलेट एक छोटी सी रसीम जिसमें फूलों की चिटंडियाँ ना हो। एग्जाम्पल है जवी, जवी लोकल नेम है, ओट इंग्लिश नेम है, एविना सेटिवा इसका साइंटिफिक नेम है। बहुत मशहूर पौधा हमारे यहाँ सर्दी के मौसम में ग्रो होते हैं और हमारे यहाँ इसको घोड़ों को खिलाया जाता है चारे के तौर पर, घोड़े के अलावा और भी जानवर खाते हैं। लेकिन नोट कीजिएगा कि दुनिया के बहुत से इलाकों में जवी खाई जाती है। जवी गंदम जैसी होती है, इसके जो बीज हैं हमारे इसको काट के जानवरों को चारा ना खा देते हैं, जबकि इसके बीज हैं वो भी गंदम जैसे ही होते हैं, खाए जा सकते हैं वो भी। टेस्ट का कुछ डिफरेंस होता है, बाहर कलर का डिफरेंस है। सेकंड चीज़ यह कि ये इसके जो प्लांट्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत मशहूर हर्बल मेडिसिन का पार्ट है। इसका प्लांट ब्लड खुद हर्बल मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड हमारा टॉपिक है जिसमें रसीम ऑफ साइंस, रसीम ऑफ साइंस। इसमें जो एग्जांपल है वो अगले पेज पे वर्टिस लास्टर के नाम से एक्सप्लेन हुई है, 7.20 डायग्राम है। और जब आप न्यास वो इसके रिश्तेदार को देखें तो उसमें मेन स्टेम के ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ बुझार रहता है जैसे रेस वॉर्स है। लेकिन करीब जाकर देखें अगर डिटेल से काट कर स्टडी करें तो फिर पता चलता है कि नहीं, तो बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं और वो चीज़ें अभी हम देखने लगे वो क्या है। बहरहाल नाम है इसका रसीम ऑफ साइंस। जब हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो नीचे बड़े फूल से छोटे सबसे ऊपर टॉप है सबसे छोटे होंगे रेस वॉर्स कह रहे हैं। लेकिन जब आप एक ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को देखेंगे तो वो ऐसा होगा जैसा कि नज़र आ रहा है जी, ये वर्टिसी लास्टर के नाम के साथ अगले पेज के ऊपर आप इसको देख सकेंगे और वहीं पर इसका हम स्टडी भी कर सकेंगे। न्यास्को फैमिली के तमाम मेंबर्स में ऐसे ही होते हैं। वर्टिस लास्टर क्या है ये हमारा अगला टॉपिक, अभी नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग इसमें दिया गया जी रसीम ऑफ कैपिचुला। रेसोर्स कार में बहुत से कैपिचुला अरेंज हुआ, एरिजिरॉन एग्जाम्पल है फैमिली कम्पोजिटी सनफ्लावर फैमिली में। उसके बाद नेक्स्ट है जी कंपाउंड अम्बल ऑफ साइएथिया। ये पौधे का नाम आज का डिस्कस हुआ है पहले, ये यूफोर्बिया ही रेस्कोपिया। मैंने जब मल्टीपैरा सन की एग्जाम्पल दी थी तो मेन एक्सिस की 5 ब्रांचेज निकाली थी जिन फ्लावर नंबर 2 शो किया था और कहा था जी ये यूफोर्बिया है। अगर 3 से ऑनवर्ड हों तो मल्टीपैरस, 5 वाला स्पेसिफिक एग्जाम्पल है यूफोर्बिया एरिस्कोपिया। जब उसको गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि वो शक्ल उसकी अम्बल जैसी है, लेकिन जब उसके एक पीस को देखते हैं तो वो साइएथियम होता है। और साइथियम क्या चीज़ है ये भी अगले पेज पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको डिटेल से देखेंगे हम। फैमिली यूफोर्बिया से साइएथिया किस तरह से डिस्टिंग्विश होंगे, पेज नंबर 131 पे 7.18 डायग्राम। और अगला हेडिंग इसमें जी सही पेनिकल ऑफ शॉर्ट्स जो है साइंस, ये थिरसिस के नाम से है, तस्वीर बनी हुई है इसकी 7.17 थिरसिस ऑफ वाइन। देखिए वाइन का आमतौर पर हम बेल करते हैं, ये अंगूर की बेल मुराद है, अंगूर की बेल और मेज़ार अंगूर पैदा होते हैं। आपने अंगूरों का गुच्छा देखा हुआ है वो किस तरह का होता है, इसमें क्या कुछ होता है, वो इरेगुलर ब्रांच है इसलिए इसको पेनिकल का नाम देते हैं। अगर एक ग्रुप को गौर से देखें तो उसमें जब वो पैदा हो रहा है छोटा होता है उसमें बड़े छोटे फूल मिक्स होते हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि साइमोस्टैंगल में ब्रांचिंग हुई है।
इसके साथ ही जी हमारा दूसरा सॉरी तीसरा मेन हेडिंग भी खत्म हो गया और ये हमारा हेडिंग था मिक्स्ड इन्फ्लुएंसेस। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है स्पेशल इन्फ्लुएंसेस। अब ये चंद खासल खास किस्म के इन्फ्लुएंसेस हैं जिनको हमने स्टडी करना है वन बाई वन और इनके अपने स्पेसिफिक हेडिंग्स हैं। इसलिए उसके साथ स्पेशल इन्फ्लुएंसेस जैसे कि पहले बात हो चुकी है कि ये बहुत ही खास और जीवरी तरीके से अरेंज होते हैं, ऐसा कर रही है उसको देखते हैं वन बाई वन। और पहला हेडिंग है जिसमें सब हेडिंग है साई एथियन, तस्वीर दी गई है पेज नंबर 131 फिगर 7.18 7.19 तस्वीरें हैं और ये यूफोरबिया साइंटिफिक नेम है। स्पर्ज इसकी फैमिली का नाम भी यूफोरबिया सी है, स्पर्ज इंग्लिश नेम है, लोकल नेम ज़्यादा जो मशहूर नाम है वो दूदेक है। इस फैमिली के मेजॉरिटी मेम्बर्स को अगर ब्रेक करें थोड़े इसके स्टेम को या किसी ब्रांच को या इसके लीफ को उसमें से दूध निकलते हैं और दूदेक लोकल नेम है हमारा जो कि सब के लिए मशहूर का ही नाम है। यानी हो साइए थीम की डिटेल की तरफ जाते हैं तो सीध चूँकि ब्लैक एंड वाइट है ये बहुत खूबसूरत फूल जो बाल पात हो चुकी है कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के सामने जो लॉन है बिल्कुल फ्रंट के ऊपर लैब्स के जस्ट सामने जो सुरख रंग के फूलों वाले पौधे जिनके ऊपर उंगली की इंसानी उंगली की मोटाई है कांटे हैं और सुरख रंग के बहुत ही प्यारे फूल पैदा होते हैं वो ये फोर ईयर स्प्लेंडेंस है और उसके ऊपर इसी शक्ल के साइए थी है जो कि बहुत खूबसूरत कलर ब्रैकेट के साथ होते हैं। अब पहले 7.14 को वैसे देखिए इसमें नीचे नज़र आ रही हैं जो बर्ड्स हैं और उसके बाद उसमें इनवोल्यूकर का लफ्ज़ लिखा हुआ है। इनवोल्यूकर वो ब्रैकेट्स हैं जो फूलों को या फूल के ग्रुप्स को घेरे हुए हैं। ग्लैंड इसके ऊपर क्रिसेंट शेप ग्लैंड नज़र आ रहे हैं और उसके बाद मेल और फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर छोटे हैं नीचे की तरफ उछाड़े हुए हैं, सेंटर में बड़े वाला फीमेल फ्लावर है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को जिसको उसने दाएं तरफ बढ़ा करके दिखाया हुआ है तस्वीर को फिर देखिए राइट वाली यानी 7.19 को, इसमें सेंटर में सिर्फ एक ही फीमेल फूल है उसके दाएं बाएं राइट लेफ्ट साइड पे चारों साइड के ऊपर जो तस्वीर में सिर्फ दाएं बढ़ रहा है लेकिन एक्चुअली चारों साइड के ऊपर हैं। ये स्पेसिफिक फूल हैं जो खास मैनर में अरेंज हुए हुए हैं और इस लिहाज ये भी याद रखिए कि ये फूल जिसमें सिर्फ सेंटर में फीमेल फ्लावर का मतलब है कि एक लंबी सी डंडी है उसके ऊपर एक ओवरी स्टाइल और सिग्मा नजर आ रहे हैं। मेल फूल में ऊपर जो है वो एंथर है नीचे स्टेमन है, एक्चुअली देखने में लग रहा है कि ये शायद एक स्टेमन है एक्चुअली ये मेल फूल हैं और मेल फ्लावर्स जो हैं वो स्टेमिनेट और फीमेल फ्लावर जो है दोनों का ग्रुप इकट्ठे की जगह पे है चूँकि इसलिए ये इन वोल्यू पर खास शक्ल की और मसल की सारी की सारी फैमिली फूल भी ऐसी के बहुत से मेम्बर्स हैं। अगर इन फूलों की जो मेल फ्लावर्स हैं इनकी अरेंजमेंट को देखें तो जो छोटे बड़े फूल मिक्स हैं राइट लेफ्ट के ऊपर अरेंज हुए हैं जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि स्कॉर्पियो है वो क्लस्टर है। यूफोरबिया में यूफोरबिया एलियोस्कोपिया चित्री दूदक, यूफोरबिया राजियाना जो कि डंडा थोर है, यूफोरबिया स्प्लेंडेंस वो खूबसूरत वाला यूफोरबिया जो शुरुआत हो सकने वाला ये सब इसके मशहूर मॉडल ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके लिहाज से। और अगला हेडिंग जो कि सेकेंड लास्ट हेडिंग है वर्टिसिलास्टर, तस्वीर फिगर 7.20 और 7.21 एक नोड के ऊपर दो साइड से दिखाई गई है और 7.20 में एक नोड पे सेक्शन काट के उसका दिखाया गया है। एस यहाँ लिखा है स्क्वेयर बिल्कुल चौकोर शक्ल में स्टेम है उसके एक साइड को देखो फ्लावर नंबर 1 उसमें दो ब्रांचेस निकली हैं दोनों पे फ्लावर नंबर 2 उसके बाद ऑनवर्ड आगे 2 से एक फूल निकला है ब्रांच है 3 उसमें से एक ब्रांच निकली है 4 उसमें से एक ब्रांच निकली 5 शुरू में डाइकेजियल बाद में मोनो। अब जो वर्डिंग मिलती है लिटरेचर में के उसकी वर्डिंग ये होती है कि डाइकेजियल साइन इज कन्वर्टेड इनटू मोनोकेजियल, स्टार्ट होती है डाइकेजियम से लेकिन खत्म हो जाती है मोनोकेजियल पे। ये बहरहाल स्पेसिफिक टाइप है जी साइन है और एक एक जगह पे तो ये आमने सामने दो दो होती हैं उल्टी जो नेक्स्ट नोट होगी उसको ये क्रॉस कर जाएंगे और पीछे लफ्ज आज का हुआ है हम लोग कहते हैं कंपाउंड इसके लिए कौन सा नाम आया था जो पीछे कहीं कहीं कोई नाम आ चुका है ये था जी ऑल अबाउट स्पेशल पर्सन वर्टिसिलास्टर न्याज़बो फैमिली के मेंबर्स हैं इसमें सॉल्विया डॉग फ्लावर के नाम से देखिए एक लोकल है एक ज्यादा पौधों के नाम से हो सकते हैं डॉग फ्लावर के पौधों का नाम है सॉल्विया के अलावा
लिबर्टी फैमिली के बहुत से और मेंबर, लिबर्टी ओल्ड नेम है, मेंट पुदीना और ऑसिमम बेसिलिका, जो कि इसमें न्याज बोर्ड तुलसी दोनों आते हैं और भी पौधे, ये है जो अलग बोर्ड चैप्टर का लास्ट हेडिंग है जी हमारा अम्बिलेट साइनस है, प्याज किन फर्सेस आपके सामने है, प्याज होते हैं शुरू में उसमें सबज प्याज गोल पत्ते होते हैं और दरम्यान में फिर उनके से एक लंबी सी डंडी निकलती है, उस डंडी के टॉप के ऊपर ब्रैकेट्स के अंदर बंद छोटे छोटे बहुत से फूल होते हैं, जब वो खिलते हैं तो काफ़ी बड़े सारे साइज में छोटे छोटे खूबसूरत सफेद से रंग के फूल होते हैं। तस्वीर को जब सिर्फ दूर से देखें तो वो अम्बल लगती है, अम्बल की बात उसकी, लेकिन जब करीब जाकर गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि इसमें दरमियान में मुख्य जगहों पर बड़े बड़े फूल और उनके आसपास छोटे फूल हैं, इसका मतलब है कि ये साइमोस ब्रांचिंग शो है जो अरेंज हुए हैं अम्बल के लिहाज से, ब्रांचेस को अम्बिलेट साइमोस का नाम दिया गया है। रखी प्याज के जो लीफ हैं वो रेडिकल यूज कहलाते हैं, क्योंकि वो स्टेम रूट में से लगता है जैसे रूट में से निकल के आ रही है, डिटेल्स हम उसके बारे में कम चुके हुए हैं। ये है जी ऑल अबाउट, ये आपके प्रैक्टिकल में फैमिली ऐसे कम शामिल है, सिलेबस में चेक करना पड़ेगा, पर नीचे से सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसमें कोई नई चीज़ तो नहीं है, छोटे छोटे बहुत से बहुत कठिन जगह पे हों तो जब कोई भी एक दो इंसेक्ट भी आते हैं तो वो बहुत से फूलों को पोलिनेट कर सकते हैं, उसको भी फटा खाते हैं और उनको भी फटा पहुँचाते हैं, यही इसका सबसे बड़ा फायदा होता है। और अगर हम साइमोस को देख रहे हैं, साइमोस में ये मिक्स होते हैं और कुछ फूल तो पहले मेच्योर हो जाते हैं, फ्रूट बन जाते हैं, फ्रीडिंग सीजन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है यहाँ से उस फूलों के जरिए भी और फ्रूट किससे की भी प्रोडक्शन करता है। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हमने जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा है, सर यहाँ पे जी जी पूछेंगे, सर यहाँ पे एक वर्ड है स्केपिजेरस इनफ्लोरेसेंस, किसके अंदर आया है बताइए, सर बुक कह रहे हैं नहीं, ये आप किसके, सर ये अम्बिलेट अम्बिलेट साइगोनस जी ठीक है सही है, हम पीछे कहीं पे जी मैं इसकी बात करता हूँ, ये पीछे कहीं पे टॉपिक आया था, बहुत पहले टॉपिक आया था जिसके कुछ पौधों में नीचे जमीन के अंदर वो जो अंडरग्राउंड पार्ट है उसमें से लीव्स निकलते हैं, ग्रुप ऑफ लीव्स अभी लफजा है रेडिकल लीव्स, वो कुछ ऐसे रहते हैं, उसके बाद एक डंडी निकलती है, लंबी सी डंडी होती है और उसके ऊपर एक ग्रुप के अंदर फूल मौजूद होते हैं, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल यही है जिसको हम पढ़ रहे हैं प्याज के नाम से। अब वो जो लफ्ज़ आपने बोला है वो इसी के रेफरेंस से है, वो जो लंबी सी डंडी निकली है जिसके टॉप के ऊपर फूल पैदा होते हैं उसी के लिए स्केपिजेरस ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ये इसी के मुख्य बातें हैं। वो जो डंडी वो डंडी हाँ ये गौर करने वाली बात है, ये एक बार फिर मुझे पंजाबी का बोलना पड़ेगा कि हम पंजाबी में जिसको इंग्लिश में ग्रीन प्याज कहते हैं, वो जो सब्ज रंग के पत्ते हैं जब प्याज उगना होता है, जो कि जब सीजन होता है लोग उसको बड़े शौक से यूज़ करते हैं तड़का लगाने के लिए, अब उन लीव्स वो तो लीव्स हैं खास शक्ल के, लेकिन जब उनके अंदर से एक लंबी सी डंडी निकलती है जो पत्तों से बहुत लंबी, पत्ते इसके बड़ी शक्ल से 6 इंच 8 इंच 10 इंच 12 इंच साइज में हो सकते हैं, लेकिन वो जो डंडी है वो 1 फुट से ज़्यादा बड़ी होगी, 2 फुट 3 फुट डिपेंड करता है कि किस तरह के मिट्टी में आपने इसको ग्रो किया है, पानी प्रॉपर दिया है, खाद मौजूद है नहीं है, लाइट कैसी है, ये 2-3 फुट से भी ज़्यादा ऊंची हो सकती है और उसके ऊपर ये इंटरेस्ट पैदा होती है और इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जी सर जी हमारा चैप्टर खत्म हो गया जी, और अगर आप चाहें तो जी इसके लिहाज से तो ये कंप्लीट हो गया है।